Okay, dear student, today actually I would like to share you how is the university pattern of examination, practical examination. Okay, instead of anatomy of funeria, today we will see how is the. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum salam. Awaaz aa rahi na? Yes. Okay, so see here, dear student, university practical paper pattern, paper 3rd and paper 6th. Actually, that is based on entire syllabus of BSc first year botany. Okay. So see here, as this is the question number first. Actually, the entire paper of practical is of 100 marks. The entire paper is of 100 marks. How many marks of paper are you? ठीक है, पूरे वाटनी फर्स्ट ईयर में जितना पढ़े उसके ऊपर रहेगा आपको. पहला क्वेश्चन क्या है देखो, आइडेंटिफाई क्लासिफाई एंड डिस्क्राइब एनी टू अल्गी पर्टिकुलर पिक्चर. इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू आइडेंटिफाई टू अल्गी फ्रॉम द गिवन पिक्चर. एज इन योर सिलेबस देर आर टू अल्गी, देर आर फाइव अल्गी, यू हैव टू आइडेंटिफाई ओनली टू अल्गी. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. The question number second, that is identify and describe the specimen V of fungi. अरे आवाज ऊपर का माइक है शायद. फंजाई की पहचानना है इसको आप. आपके सिलेबस में 5 फंजाई है, एग्जाम में 1 फंजाई देंगे, वो पहचानना पड़ेगा आपको. तो कितने मार्क करेगा? 10 मार्क का. तीसरा क्वेश्चन ये अल्गी और फंजाई जो क्वेश्चन ये फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस पे. अब तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब गिवन स्पेसिमेन ऑफ ब्रायोफाइट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स. अब जैसे ये क्वेश्चन है 10 मार्क का, इसमें क्या करना है आपको? एक तो मार्क इंशिया दिया हुआ रहेगा, एक तो फ्यूनेरिया दिया हुआ रहेगा. आपको मार्फोलॉजी और एनाटॉमी की ये वो पहचानना है. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है प्रिपेयर टेम्पोररी स्लाइड ऑफ गिवन स्पेसिमेन थर्ड ओवर. टेरिडोफाइट का स्पेसिमेन है वो, इसकी डायग्राम उतारना है, उसको फॉर्मेट लिखना है. पांचवा क्वेश्चन है डबल स्ट्रेन परमानेंट स्लाइड लेवल. 20 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें मोनोकॉट स्टेम या डाइकॉट स्टेम ग्राफिक सर ने पढ़ा हुआ है. 20 मार्क का क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन नंबर 6 है देखो, आइडेंटिफाई डिस्क्राइब स्पॉट्स ए बी सी डी और ई. ये तीन तीन मार्क स्पॉट्स है. पहला रहेगा बैक्टीरिया फिर लाइकेन से, दूसरा रहेगा मॉर्फोलॉजी पे, तीसरा मॉर्फोलॉजी पे रहेगा, हिस्टोलॉजी अथवा एम्ब्रियोलॉजी. ये होगा 75 मार्क. 80 मार्क है सबमिशन के, रिकॉर्ड बुक आएगा और कलेक्शन. ठीक है, ऐसा पेपर रहेगा आपका. सर क्वेश्चन नंबर 4 का नहीं समझ में आ रहा. हाँ तो कुछ बता रहा मैं आपको, आवाज कर रहे बच्चे. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाँ इसमें क्या प्रिपेयर टेम्पोरली स्लाइड ऑफ गिवन स्पेसिमेन ट्रेडोफाइट. अभी ट्रेडोफाइट आपने पढ़े नहीं. अब ट्रेडोफाइट जब चालू होगा आपको एक स्पेसिमेन दिया रहेगा, उसका स्लाइड लेने का, सेक्शन लेने का है. जैसे फर्स्ट ईयर में सेक्शन लिए थे क्या मोनोकॉट डाइकॉट का प्रैक्टिकल में, वैसे सेक्शन लेना है, उसकी डायग्राम उतारना, उसके पॉइंट्स लिखना है. ऐसा प्रैक्टिकल का यूनिवर्सिटी फेवर पैटर्न है ओल्ड. अब न्यू कैसा आता पता नहीं. तो पहले उसमें तो अलग ही पहचानना है जो जबकि आपके सिलेबस में 5 है. दूसरा क्वेश्चन है एक फंजाई पहचानना है जो दिया हुआ है. तीसरा क्वेश्चन है ब्रायोफाइट का है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैरेक्टर लिखना है जो आपको मटेरियल दिएंगे. इसमें रहेंगे एक तो मार्किंचा रहेगा, दूसरा फिर नहीं रहेंगे. चौथा क्वेश्चन है टेरिडोफाइट का, और टेरिडोफाइट का दिया रहेगा उसमें से आपको एक्सटर्नल और इंटरनल उसके डायग्राम उतारना पड़ेगा जो भी समझो जो दिया हुआ है. अगर स्ट्रीम दिया तो स्ट्रीम को कट करके उसको लेने का स्लाइड बनाने का. पांचवा क्वेश्चन है ये मोनोकॉट या डाइकॉट स्ट्रीम का. ठीक है, इसको डबल स्ट्रीम परमानेंट स्लाइड बनाना है स्ट्रेनिंग करके. और पांचवा क्वेश्चन है स्पॉटिंग है ए बी सी डी और ई. तीन तीन मार्क का एक स्पॉट है, पूरे 15 मार्क के है. और इसमें क्या है देखो, पहला बैक्टीरिया फिरेंगे लाइकेन फिरेंगे, दूसरा मार्फोलॉजी फिरेंगे, तीसरा मार्फोलॉजी फिरेंगे,
चौथा हिस्टोलॉजी बनेगा, पांचवा एम्ब्रियोलॉजी, और 25 मार्क जो है आपके, 25 मार्क कैसे रहेंगे, 10 मार्क रिकॉर्डों के, 5 मार्क ओरल एग्जाम के और 10 मार्क के एक टूर के हैं, या समझो जो कलेक्शन है आपको, इतना ऐसा ये फैक्टर रहेंगे, ठीक है। ये हिसाब से आप लिख के ले लो, अगर समझो ऑफलाइन एग्जाम होगा तो ऐसे एग्जाम होंगे, नहीं तो फिर ऑनलाइन के आप क्राइटेरिया आधा बता नहीं सकते ऑनलाइन का एग्जाम प्रैक्टिकल, ठीक है। और देखो किताब उन्हें बताया था डाइवर्सी और टाफ क्रिप्टोग्राम्स, वो किताब ले लो और उसमें मार्किंशिया और फ्यूनेरिया इन दैट बुक देर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स, देर आर ऑल दीज क्वेश्चंस आर प्रेजेंट इन दैट बुक, डेफिनेटली दिस बुक इज वेरी यूजफुल, अगर आप वो किताब ले लो अगर समझो उसे बहुत फायदा होगा। कौन से बुक सर? डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोग्राम्स, डाइवर्सिटी ऑफ क्रिप्टोग्राम्स लाइब्रेरी में है, उसके लास्ट में क्वेश्चंस भी दिए हुए। इसके अलावा पहले जो पिछले साल जो क्वेश्चंस एग्जाम हुए थे ना वैसे एग्जाम से, तो देखो ऑनलाइन के ऑफलाइन के वो भी क्वेश्चन आप डिपार्टमेंट से कलेक्ट कर सकते, ठीक है। तो प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड हो ये ऐसा बना के ले लो मैंने जैसा बताया, ठीक है। अब इसके अलावा देखो और आप जैसे मार्किंशिया और फ्यूनेरिया तो ग्राइफेड है ना, इसमें से आपको 50% क्वेश्चन में आता है एग्जाम में, खाली दो से अगर आप इसकी अच्छी स्टडी करें समझो आपको 50% इसमें से क्वेश्चन नहीं है, बाकी का 50% का टेरिडो फाइव, और टेरिडो फाइव हम जब स्टार्ट करेंगे करेंगे, भले मार्क मार्किंशिया और फ्यूनेरिया दो से ग्राइफेड है, अब मार्किंग फ्यूनेरिया का थोड़ा हो गया हुआ है, मार्किंशिया का तो कम्प्लीट पूरा हो गया, उसे क्या पढ़ना आपको मार्कोलॉजी एनाटॉमी, फिर उसके बाद वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके बाद स्पोरोफाइट, इतनी सारी चीज़ें पढ़ने का है मार्किंशिया में भी और फ्यूनेरिया में, ठीक है। अब वाला मार्किंशिया खत्म हो गया हुआ है, फ्यूनेरिया का थोड़ा मार्कोलॉजी हो गया वाला है, अब एनाटॉमी आज देखना था और आज मैंने सोचा कि मैं आपको पेपर प्रैक्टिकल बताना था, पैटर्न बताना प्रैक्टिकल का एग्जाम्स कैसे होते, फिर एक बार देख लो कैसा क्वेश्चन है, फेवर है देख लो, अगर इसकी स्क्रीन शॉट लेना था आप ले सकते हैं, अच्छा कोई ऐसा कोई है देखो पैटर्न, हाँ ये ले सकते देखो, ये अगर अगर लेने का है तो आपके लिए 100 मार्क्स कैसे डिवाइड किए हुए, इसे कुछ पूछना है आपको, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं इसमें आप, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, अभी कुछ पूछना है क्या सर? हाँ बोलो। वो जो एग्जाम है वो इंस्टीट्यूट टाइप है क्या ऐसा है? अभी अभी वो आया नहीं कुछ अभी, हाँ अगर हालत अच्छी रहे, अभी हालत अगर अच्छी रहे समझो तो ऑफलाइन होगा, अगर हालत अगर ऐसी रहे तो ऑनलाइन होगा, जुलाई के एंड में होगा या अगस्त में होगा एग्जाम, आज जुलाई 1st जुलाई है ना, जुलाई के एंड में होगा या समझो अगस्त के फर्स्ट, ठीक है। राहत कौन है? राहत अफरोज, हमें कुछ पूछना है क्या? ये रिकॉर्ड लिखना चालू कर दिया आपने? यस रिकॉर्ड, हाँ लिखते हो रिकॉर्ड, हाँ अगर कोई डिफिकल्टी है तो फोन करके पूछने का, ओके सर। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लो सर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है? ये क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें परमानेंट स्लाइड बनाते कैसा बनाते वो प्रोसीजर बता, लिखना है इसमें परमानेंट स्लाइड का डबल स्टैंड परमानेंट स्लाइड बनाना है, प्रोसीजर लिखना है सर। हाँ प्रोसीजर लिखना है और स्लाइड भी बनाना है आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने 11th 12th में पढ़े हुआ है, 11th 12th पढ़ा हुआ है ना, टीएस ऑफ एंथर टीएस ऑफ ओरी, अच्छा स्लाइड देखे होंगे आपने, व्यू करके वो स्लाइड आपने देखा हुआ है परमानेंट स्लाइड, और आप कैसे बनाते हो बनाना है आपको, ठीक है। वो स्लाइड कैसे बनाते हैं आपको फर्स्ट ईयर में, वो उसमें क्या करना है आपको, एक स्टेम देंगे मोनोकॉट या डाइकॉट की, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ आपने मोनोकॉट डाइकॉट,
मोनोकॉट और डाइकॉट बराबर प्रैक्टिकल का आपरी कार्ड वो भी देख सकते हैं आप। ये स्लाइड कैसा बनाना आपको उसका प्रोसीजर लिखना है और उसके डायग्राम उतारना उसकी स्लाइड बनाना और उसके बाद उसकी लेवलिंग करना उसको डिस्क्राइब करना। ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है आप खाली फर्स्ट ईयर में इतना याद रखो यू इन फर्स्ट ईयर यू ओनली रिमेम्बर दैट हाउ इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इफ इट इज एल्गी इन योर सिलेबस देयर आर 5 एल्गीज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दीज एल्गी। वन इज नॉस्टा, सेकंड इज कारा, थर्ड इज वर्टिडियम, लेप्टोस्पोरम एंड सरकास। 5 ऐसे हैं, 5 में पहचान लेगा। इसके बाद 2 है, 5 फंजा है, 5 फंजा में से कौन सा है पहचान लेगा। ये 2 ब्राइफर्ट है, ठीक है। ठीक है भैया, या मेरे हिसाब से आप तैयारी कर लो, आज थोड़ा काम रहने की वजह से आ जाओ, ये सब कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। वालेकुम।